चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर का। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट यहां पर जारी कर दी है। 30 स्टार प्रचारकों की यह लिस्ट जारी की गई है। पहले चरण में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार ये स्टार प्रचारक करेंगे। तो स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह का नाम शामिल है। राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ और हेमा मालिनी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वरुण गांधी का नाम नहीं है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। 30 नामों की ये सूची जारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की ये लिस्ट जारी की है और यही स्टार प्रचारक अब जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की एक सूची यहां पर जारी कर दी गई है। 30 नाम इसमें शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी है। हेमा मालिनी का नाम उसमें शामिल है। राजनाथ सिंह का नाम शामिल है। हालांकि वरुण गांधी को यहां पर जगह नहीं दी गई। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए 10 फरवरी को पहले फेज का मतदान होना है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी पहले फेज के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन विधानसभा क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है और इसी के साथ एक सूची जारी की गई है जिसमें 30 सदस्य हैं और 30 सदस्यों के स्टार प्रचारकों की ये सूची जारी कर दी गई है। अगर पहले नाम की बात करें तो उसमें साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम है, नितिन गडकरी है, स्वतंत्र देव सिंह है, धर्मेंद्र प्रधान है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राधा मोहन सिंह है। तो तमाम जो 30 लोग हैं ये 30ों का एक ऐसा सामंजस्य बनाया गया है ताकि ये वर्चुअली रैली को संबोधित कर पाए और इसके लिए जितने प्रदेश मुख्यालय और क्षेत्र मुख्यालय और समय जिला मुख्यालयों पे मंच भी तैयार किया गया है जहाँ पे ये पहुंचेंगे और इनके पहुंचने के साथ ही वहाँ पे वर्चुअल रैली से वो जुड़ेंगे। तो इन सब वर्चुअल रैली के लिए IT विभाग भी पूरी तरह तैयार है और माना जा रहा है कि 1 से 1.5 लाख लोगों को जोड़ा जा सकता है। और इतनी बड़ी तैयारी के साथ जब ये 30 स्टार प्रचारक उतरेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी की कोशिश होगी कि पहले फेज में ज्यादा से ज्यादा मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाए और उसको लेकर तमाम जो नीतियां हैं उन नीतियों का अब ये लोग रखना शुरू करेंगे। तो सूची आज जारी कर दी गई है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 21 तारीख से सभी स्टार प्रचारक क्षेत्रों में जाएंगे और वहां से वर्चुअल रैली और सभाएं करेंगे और अपनी नीतियों को बताएंगे और खासतौर पर जो समाजवादी पार्टी है और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है उसको तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। जी अवनीश, वही अगर बात करें जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा था कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम जो शीर्ष नेता है भारतीय जनता पार्टी के वो पहले से ही उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए थे, चाहे वो गृहमंत्री अमित शाह की बात कर ले, राजनाथ सिंह की हम बात करें, या जिस तरीके से स्मृति ईरानी भी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई थी, उसी तरह से अब जब ये सूची जारी कर दी गई है, 30 नाम इसमें शामिल किए गए हैं, अब किस तरीके से माहौल बदलेगा, क्या कुछ फायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को इससे होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो लगातार उत्तर प्रदेश में मौजूद था और उत्तर प्रदेश की सरजमी पर तमाम जो सियासी रणनीतियां हैं वो बन रही थी। अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो प्रधानमंत्री ने तमाम सौगात उत्तर प्रदेश को दी है और हर कार्यक्रम में वो खुद हिस्सा लेने पहुंचे हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हो या कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का लोकार्पण हो या तमाम जो अन्य कार्यक्रम हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष पे सवाल उठाते रहे हैं और गोरखपुर से उन्होंने जब नारा दिया था कि लाल टोपी खतरे का निशान है तो उसी को घेरने के लिए ये पूरी रणनीति बनाई गई है और इसी के साथ ही 30 सदस्यों की ये सूची है जो सभी अलग अलग मंचों से विपक्ष को घेरेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.